आइए हज़रात दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अली के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा सुना इसलिए न जाए, सब कुछ तो कहा जा चुका है, सब कुछ सुना जा चुका है, बस आप तैयार हो जाएं थोड़ी देर के लिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी थोड़ी देर खिदमत करना चाहता हूँ। एक बार और जी लगा के बाबाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। देखें, हम अली के शहदा हैं, जरा सा बोल के सुन लीजिएगा, खामोशी ना दिखाइएगा, ठीक है। हम अली के शहदा हैं और हुसैन वाले हैं। और यकीन मानिए मतलब ऐसा है कि इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। जरा सा बोल दीजिएगा, हम अली के शहदा हैं और हुसैन वाले हैं। हम अली के शहदा हैं, हम अली के शहदा हैं और हुसैन वाले हैं। हमने कुफर बाजों के पैर तोड़ डाले, पर तोड़ डाले हैं। जो जो थोड़ा सा माहौल आगे का बना है वो पीछे का भी हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। हम अली के शहदा हैं और हुसैन वाले हैं। इसलिए तो इज्जत के हाथ में निवाले, नारे तकबीर, नारे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि हमारे सैयद साहब में ये खास बहुत सी खासियतें हैं, लेकिन एक खासियत यह है कि हजरत नातखा को बड़ी मोहब्बत से सुनते हो, बड़ी दुआएं देते हैं। मैं ये अरे जाहिर सी बात है, नातखा आप भी हैं लेकिन नज्म में है, नसर में। फजले हक ताला से हम रसूल वाले हैं, फजले हक ताला से हम रसूल वाले हैं। इसलिए तो इज्जत के हाथ में निवाले हैं। कफील भाई, मैंने दो मतले कहे लेकिन तीसरा मतलब भी गुंजाइश थी तो मैंने कहा। अब ये देखना चाहता हूँ कैसे हुसैनी बैठे हैं। बहुत बड़ा मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ से वहां तक मुझे लगना चाहिए कि हाँ मैं जो है मैं आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा करें। इसलिए तो इज्जत के हाथ में निवाले हैं, मौत तेरी गर्दन पर। लफ्ज को देखें, मौत तेरी गर्दन पर,
हम लोग की गर्दन है, लेकिन मैंने जो कहना चाहा है सुने, मौत तेरी गर्दन पर, मौत तेरी गर्दन पर, जिसने हाथ डाले हैं, मौत तेरी गर्दन पर, जिसने हाथ डाले हैं, शेर है वो है दर के फातिमा के पाले। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे नारे रिसालत, उर्से बशीरी, सरजमीने मदरना शरीफ, शायर इस्लाम जैनुल आबिदीन। थोड़ा सा बीच वाले थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, अभी भी कुछ कहीं से कमी है ना, 60% आप पहुंच गए हैं, 40% रह गया है, आप उसे भी पूरा करें। थोड़ा सा मुझे लगना चाहिए कि बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा तो सुना जा रहा है। और मैं मौत तेरी गर्दन पर, जिसने हाथ डाले हैं, मौत तेरी गर्दन पर, जिसने हाथ डाले हैं, शेर है वो है दर के फातिमा के पाले हैं, शेर है वो है दर के फातिमा के पाले हैं। कपिल भाई, एक काफिया का इस्तेमाल हुआ है और बहुत सलीके से हुआ है, हाजिर कर रहा हूं, मुलायजा करें। उनके दर पे जाने को, उनके दर पे जाने को, हाँ उनके दर पे जाने को, दिल बहुत तड़पता है। उनके दर पे जाने को दिल बहुत तड़पता है, मेरे पांव में लेकिन मुफलिसी के छाले हैं, मेरे पांव में लेकिन मुफलिसी के छाले हैं, मेरे लेकिन मुफलिसी के छाले हैं, मेरे पांव मुफलिसी के छाले हैं। लौट कर मदीने से, लौट कर मदीने से आऊंगा तो कह दूंगा, लौट कर मदीने से आऊंगा तो कह दूंगा, खुल्द के जो मंजर है मेरे देखे भाले हैं। अरे वाह 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 वाह, मेरे देखे भाले हैं। लौट कर मदीने से आऊंगा तो कह दूंगा, खुल्द के मंजर है मेरे देख भाले हैं। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, यकीन मानिए ईमान ताजा हो जाएगा। मुश्किलें भी उस दिन से, मुश्किलें भी उस दिन से हमसे बच के चलती हैं, मुश्किलें भी उसे दिन से, मुश्किलें भी उसे दिन से हमसे
देती है हम हुजूर जिस दिन से आपके हवाले हैं हम हुजूर जिस दिन से आपके हवाले कम 12-13 शेर निकाले हैं। एक शेर और मुलाहिजा करें। नात का बहुत कीमती शेर, मुझे ये लगे कि हाँ मैं सुन्नियों में पढ़ रहा हूँ और हुजूर के आशिकों में पढ़ रहा हूँ, मुझे ये लगे। तारीफी शेर है, हर तरफ से मुझे नारा सुनने को मिले। नारा लगा दीजिएगा शेर सुनने के बाद। सुने हम हुजूर जिस दिन से आपके हवाले हैं हम हुजूर जिस दिन से आपके हवाले हैं हम हुजूर जिस दिन से आपके हवाले हैं दुश्मनों को आका का दुश्मनों को आका का हाँ दुश्मनों को आका का कैसे हो पता दुश्मनों को आका का खड़े हो जाइएगा, बहुत बड़ा शेर पढ़ने दे रहा हूँ। दुश्मनों को आका का कैसे हो पता मालूम गार सौर के मुंह पर मकड़ियों के जाले हैं गार सौर के मुंह पर मकड़ियों के जाले सौर के मुंह पर मकड़ियों के जाले हैं कुफर तेरे घर वाले कुफर तेरे घर वाले कैसे मोछ पाएंगे कुफर तेरे घर वाले छुपाएंगे मुस्तफा की आमद के हर तरफ उजाले हैं मुस्तफा की आमद के कफिल भाई अब एक शेर ऐसा पढ़ने जा रहा हूँ यकीन मानिए तारीखे करबला जिसने पढ़ी होगी सुनी होगी और जो करबला की मोहब्बत को दिल में रखते हैं इंशाल्लाह जरूर तड़पेंगे तड़पेंगे। हाजिर करता हूँ मुलाहिजा कर हजरत हाजिर करता हूँ मुलाहिजा कर वैसे आपकी तकसीर से मुझे हर शेर लाजवाब जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुने काफिये का इस्तेमाल देखें मुलाहिजा करें जरा सा पीछे वाले हाथ उठा के मोहब्बत से कहते या हुसैन और मोहब्बत से कहते या हुसैन। सुने तूने तूने खुद पाए ज़ैनब तूने तूने खुद पाए ज़ैनब हाँ तूने खुद पाए ज़ैनब क्या असर दिखाया था मुल्क शाम में अब तक सबके मुंह पे ताले हैं मुल्क शाम में अब तक मुल्क शाम में अब तक
सबके मुंह पे ताले हैं, तूने खुद बे ज़ैनब क्या असर दिखाया था, मुल्क शाम में अब तक सबके मुंह पे ताले हैं। यही कहा यहाँ से खड़े हो जाइए, वहां से खड़े हो जाइए, बीच से खड़े हो जाए, आगे से खड़े हो जाए, नहीं, लेकिन शेर शेर जो पढ़ रहा हूँ एक बच्चे को लेके पढ़ने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा बस, ये मेरी मेहनत है, हाजिर करता हूँ, मुलायजा करें, हर शख्स खड़ा होकर इस्तकबाल करेगा, हर शख्स अपनी कुर्सियों को छोड़ के खड़ा हो जाएगा, शेर बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूँ, मुलायजा करें। जिस मकाम पर असगर, जिस मकाम पर असगर जंग लड़ने आए थे, मैं नहीं जानता, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूँ, कुर्सियों से टेक छोड़ दीजिए, टेक छोड़ दीजिए, मोहब्बत से हाथ उठाइए, मोहब्बत से कहते या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जिस मकाम पर असगर, जिस मकाम पर अगर एक शख्स भी बैठा रह गया मैं ये समझूंगा उसको हुसैन से मोहब्बत नहीं है, हाजिर कर रहा हूं। जिस मकाम पर असगर जंग लड़ने आए थे, मौत को महा भी जिंदगी के लाले हैं, मौत को महा भी दोनों हाथों को उठाए, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है, हाथों को उठा के कहे या हुसैन, कोई हाथ नीचे न रहे, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से बशीरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे, दिल बाग बाग हो गया आप लोगों से मुलाकात करने के बाद, आप लोगों के बीच में आने के बाद, ये महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा थकन थी, आपने मेरी थकन को दूर कर दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, हाजिर करता हूँ फिर एक बार, हुक्म हुआ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का खतरा खतरा तो असगर की तरफ है, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। क्या बात है भाई, हाँ, एक मिसरा आपका काबिले दाद है, एक एक मिसरा, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कफील भाई हैं, इन्होंने बड़ी दुआओं से नवाजा, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये अपनी निजामत में अच्छे शेरों का इंतखाब करते हैं, न जाने कितने लोगों ने इनकी निजामत सुन के इनको फॉलो किया है, इस तरह से जो है कफील भाई का मामला बहुत आगे तक चला गया है, इन्होंने वहाँ तक के सोचा भी नहीं था, ये नाते रसूल की बरकत है, नबी के जिक्र की बरकत है, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुने सुने सुने, आज कल से आज तक मैंने जो कहा वो एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि कफील भाई उसको इंशाल्लाह कोट कर लेंगे, सुने मतलब मैंने यूं कहा था कि मेरे हुजूर कुछ ऐसा शबाब रखते हैं, मेरे हुजूर कुछ ऐसा शबाब रखते हैं, जवाब अपने सभी लाजवाब, जवाब अपने सभी जरा हाथ उठा के मोहब्बत से पेश कर दिया करें, सुभान अल्लाह कह दिया करें, जिनकी नेकियों में इजाफा होना है वो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें, जवाब जवाब अपने सभी लाजवाब रखते हैं, दरे रसूल के जर्रों को आफ्ताब न छेड़, दरे रसूल के जर्रों को आफ्ताब न छेड़, वो तेरे जैसे कई आफ्ताब रखते हैं, वो तेरे जैसे कई आफ्ताब, सारा मजमा बोलेगा, वो तेरे जैसे कई आफ्ताब रखते हैं, बहकने वालों
ना बहको हमारे आगे तुम, बहकने वालों ना बहको हमारे आगे तुम कि हम भी इश्क अली की शराब रखते हैं। बहकने वालों ना बहको हमारे आगे तुम कि हम भी इश्क अली की शराब रखते हैं और हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती, हम अपने दिल में 72 गुलाब रखते हैं, हम अपने दिल में 72 गुलाब, हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती, हम अपने दिल में 72 गुलाब रखते हैं। ये थोड़ा सा मुझे आमादा करना था आपको, इसलिए मैंने तहत में पढ़ दिया। लोग सोच में पड़ जाते हैं, है ना, कि मैं तरन्नुम तहत में क्यों पढ़ रहा हूँ। जरा मोहब्बत से एक बार कहते सुभान अल्लाह, मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें, सुने। एक बार और जी लगा के दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला